लेखा शास्त्र कक्षा 12 अध्याय 5 ऋणों का निर्गमन भाग ब। नमस्कार मित्रों, मैं रामावतार बटू का आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक स्वयंपाठी विद्यार्थी हूँ। मैं इस प्रकार पढ़ता हूँ जिससे मुझे 70% से अधिक याद हो जाता है। धन्यवाद। प्रश्न 1, ऋण पत्रों का आदि आविदान क्या है? उत्तर, यदि निर्गमित किए जाने वाले ऋण पत्रों की अपेक्षा अधिक ऋण पत्रों के क्रय करने के आवेदन प्राप्त होते हैं तो ये स्थिति आदि आविदान कहलाती है। प्रश्न 2, क्या एक कंपनी प्रस्तावित ऋण पत्रों से अधिक ऋण पत्रों का आवंटन कर सकती है? उत्तर, नहीं, प्रस्तावित ऋण पत्रों से अधिक का आवंटन नहीं कर सकती है। प्रश्न 3, ऋण पत्रों के अधि आविदान पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का निपटारा किस प्रकार से किया जा सकता है? उत्तर, निम्न 3 तरीकों में से एक के द्वारा किया जा सकता है। उत्तर, 1, अतिरिक्त आवेदनों को निरस्त कर उनकी राशि लौटा दी जाए। 2, कुल आवेदनों के प्रार्थियों के मध्य आनुपातिक आधार पर ऋण पत्रों को आवंटित कर दिया जाए तथा आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का समायोजन बंटन कर दिया जाए। 3, उपरोक्त दोनों विकल्प 1 व 2 के समायोजन के आधार पर करना। प्रश्न 4, ऋण पत्रों की राशि को चिट्ठे में किस भाग की शीर्षक और किस उपशीर्षक से दर्शाया जाता है? उत्तर, चिट्ठे में समता और देयता भाग में लंबी अवधि की देनदारियां शीर्षक के उपशीर्षक लंबी अवधि के उधार के अंतर्गत दर्शाया जाता है। प्रश्न 5, यदि बकाया ऋण पत्रों का भुगतान चिट्ठे की तिथि से आगामी 12 माह में होना है तो ऐसे ऋण पत्रों को किस शीर्षक एवं उपशीर्षक से दर्शाया जाता है? उत्तर, चालू देनदारियाँ शीर्षक के उपशीर्षक अन्य चालू देनदारियों के अंतर्गत दर्शाया जाता है। प्रश्न 6, ऋण पत्रों एवं उनसे संबंधित निर्गमन पर बट्टे की राशि को चिट्ठे में किस तरीके से दर्शाया जाएगा? उत्तर, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टे की वह राशि जो चिट्ठे की तिथि तक अपलिखित नहीं हुई हो उसे चिट्ठे के संपत्ति भाग में गैर तात्कालिक परिसंपत्ति उपशीर्षक के अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्ति के अंतर्गत दर्शाया जाता है। प्रश्न 7, ऋण पत्रों के निर्गमन यदि बट्टे की राशि को कोई भाग चिट्ठे की तिथि से 12 माह के अंदर अपलिखित होना हो तो उसे किस तरीके से दर्शाया जाएगा? उत्तर, ऐसी स्थिति में उस भाग को चालू संपत्तियां शीर्षक के उपशीर्षक अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। प्रश्न 8, नगद के अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन क्या है? उत्तर, जब कोई कंपनी किसी संपत्ति एवं चालू व्यापार को खरीदने के लिए नगद भुगतान के अलावा ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो यह भुगतान के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन कहलाता है, जो पूर्ण या आंशिक भी हो सकता है। प्रश्न 9, संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन क्या है? उत्तर, संपार्श्विक या सहायक प्रतिभूति से आशय उस अतिरिक्त प्रतिभूति से है जो ऋणदाता को मुख्य प्रतिभूति के अतिरिक्त दी जाती है। प्रश्न 10, सरल भाषा में समझाइए कि प्रतिभूति क्या है। उत्तर, प्रतिभूति का अर्थ मुद्रा नगद धन के बदले में जमानत के तौर पर गिरवी रखी जाने वाली वस्तु, सोना, संपत्ति, इमारत, जमीन के दस्तावेज, बांड, अंश, ऋण पत्र आदि सभी प्रतिभूति है। प्रश्न 11, कोई कंपनी बैंक से लोन के बदले संपत्ति गिरवी रखती है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर, प्रतिभूति कहते हैं। प्रश्न 12, कंपनी द्वारा संपत्ति के साथ अतिरिक्त जमानत के लिए बैंक में रखे जाने वाले ऋण पत्रों को क्या कहते हैं? उत्तर, संपार्श्विक ऋण पत्र कहते हैं। प्रश्न 13, कई बार बैंक ऋण के बदले में संपार्श्विक ऋण पत्र
जमानत के तौर पर क्यों रखती है? उत्तर, यदि बैंक मुख्य प्रतिभूति से अपने ऋण की वसूली करने में असमर्थ रहता है तो वह उस संपार्श्विक ऋण पत्रों को बेचकर अपने ऋण राशि की वसूली कर सकता है। प्रश्न 14, यदि निर्धारित समय पर कंपनी बैंक ऋण का भुगतान कर देती है तो बैंक संपार्श्विक ऋण पत्रों का क्या करती है? उत्तर, कंपनी को लौटा दी जाती है। प्रश्न 15, क्या संपार्श्विक ऋण पत्रों पर भी बैंक ब्याज लेता है? उत्तर, नहीं, संपार्श्विक ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। प्रश्न 16, संपार्श्विक ऋण पत्रों का लेखांकन व्यवहार किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, दो तरीके से किया जाता है। एक, केवल बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण की प्रविष्टि की जाती है और बैंक लोन के नीचे कोष्ठक में संपार्श्विक प्रतिभूति के निर्गमित ऋण पत्रों को दर्शाया जाता है। दो, जब तक ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है इनकी प्रविष्टि की जाती है। प्रश्न 17, यदि ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर किया जाता है तो इसका आशय क्या है? उत्तर, इसका आशय यह है कि कंपनी ऋण पत्र धारक को अंकित मूल्य से अधिक भुगतान करेगी। प्रश्न 18, ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर करना कंपनी के लिए क्या है? उत्तर, यह कंपनी के लिए हानि है। प्रश्न 19, एक कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन किन मूल्यों पर किया जाता है? उत्तर, सममूल्य पर, प्रीमियम एवं बट्टे पर किया जाता है। प्रश्न 20, कंपनी द्वारा ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, निर्गमन की शर्तों के अनुसार तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर पूर्व निश्चित दर से ऋण पत्रों के पंजीकृत स्वामी धारक को किया जाता है। प्रश्न 21, ऋण पत्रों पर ब्याज कंपनी के लोगों के लिए क्या है? उत्तर, प्रभार है। प्रश्न 22, ऋण पत्रों पर ब्याज प्रभार है, इसका क्या आशय है? उत्तर, प्रभार का आशय यह है कि कंपनी को लाभ हो या न हो ब्याज का भुगतान किया ही जाएगा। प्रश्न 23, ऋण पत्रों पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है? उत्तर, उन पर अंकित मूल्य पर निश्चित दर से ब्याज की गणना की जाती है। प्रश्न 24, क्या संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान किया जाता है? नहीं, प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए गए संपार्श्विक ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। प्रश्न 25, वर्ष के अंत में ऋण पत्रों पर बकाया ब्याज खाते का शेष कहाँ अंतरित किया जाता है? उत्तर, लाभ हानि चिट्ठे में अंतरित किया जाता है। प्रश्न 26, वर्ष के अंत में ऋण पत्रों पर बकाया ब्याज कहाँ दर्शाया जाता है? उत्तर, चिट्ठे और दायित्व भाग में चालू दायित्व शीर्षक के उपशीर्षक अन्य चालू देनदारियां के अंतर्गत दर्शाया जाता है। प्रश्न 27, किसी ऋण पत्र धारी को दिए जाने वाला ब्याज एक निश्चित सीमा से अधिक होता है तो उसका भुगतान किस तरीके से किया जाता है? उत्तर, आयकर अधिनियम के अनुसार 10% आयकर काटकर भुगतान किया जाता है। प्रश्न 28, कंपनी द्वारा काटे गए कर को कब और कहां जमा कराना आवश्यक है? उत्तर, अगले माह की 7 तारीख तक सरकारी खजाने में जमा कराना आवश्यक है। यह कर ऋणधारी की ओर से चुकाया माना जाता है। प्रश्न 29, निश्चित ब्याज की संपूर्ण राशि का ऋण पत्र धारियों के खाते में जमा कर भुगतान कब कर दिया जाता है? उत्तर, यदि उद्गम स्थान पर कटौती की सूचना नहीं है तो भुगतान कर दिया जाता है। प्रश्न 30, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा क्या है? उत्तर, यह हानि या पूंजीगत हानि है। प्रश्न 31, बट्टे को कहाँ से अपलिखित किया जा सकता है? उत्तर, प्रतिभूति प्रीमियम, पूंजीगत लाभ या पूंजीगत संचय में से अपलिखित किया जा सकता है अथवा लाभ आने चिट्ठे से अपलिखित किया जा सकता है। प्रश्न 32, ऋण पत्रों पर बट्टा को अपलिखित करने का समय कौन सा है? उत्तर, इन हानियों को अपलिखित करने का समय कंपनी अधिनियम में निर्धारित नहीं है,
तथापि इन्हें ऋण पत्रों की अवधि में अपलिखित कर दिया जाना चाहिए। प्रश्न 33, लाभ हानि विवरण से ऋण पत्रों के बट्टे को अपलिखित करने की कितनी विधियां हैं? उत्तर, दो विधियां हैं। एक, बराबर किस्त विधि तथा दो, बकाया ऋण पत्रों को अनुपात विधि। प्रश्न 34, बराबर किस्त विधि क्या है? उत्तर, इस विधि में ऋण पत्रों का शोधन एक निश्चित अवधि के पश्चात एक मुश्त किया जाता है। इस स्थिति में कुल हानि को उस अवधि में बराबर बराबर बांटकर अपलिखित किया जाता है। प्रश्न 35, बकाया ऋण पत्रों की अनुपात विधि क्या है? उत्तर, इस विधि में ऋण पत्रों का शोधन किस्तों में किया जाता है तो हानि की राशि का अपलेखन प्रतिवर्ष ऋण पत्रों की प्रयुक्त की गई राशि के अनुपात में किया जाएगा। धन्यवाद।